हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीकेपी इंटरप्राइज में हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन कुमार प्रजापति, मैं बिलोंग करता हूं बिहार से। आप लोग को अभी दिखाएंगे भट्टी बनाने की विधि और प्रक्रिया। सामने भट्टी बन रहा है, आप देख सकते हैं। और आप लोग को भी अगर भट्टी बनवाना है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रकार से भट्टी बनाया जाता है गाइज, सामने देख सकते हैं। और मेरे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो लेके आते हैं आप लोग को नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ये सामने जो देख रहे हैं ये भट्टी है, दूसरा भट्टी इधर क्लाइंट के अभी बनाने की काम चल रहा है, जो कि इसमें 5000 तक के कैपेसिटी वाली भट्टी है। तो आप लोग भी इस भट्टी को बना करके अपने कूलर को पका सकते हैं। कूलर को पकाइए, या कटोरा हो गया, या मिट्टी संबंधित जो भी आप लोग को बर्तन पकाना है तो इस भट्टी के माध्यम से पकेगा। तो आप लोग भी लेकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पर जो कि मोल्ड भी मिलता है और मशीन भी मिलता है, तो इस प्रकार के इस भट्टी में इस प्रकार के कूलर पक के होगा तैयार। एकदम जो है कि पकाई बहुत नेचुरल तरीका से पकाया जाता है, और ये बहुत हार्ड पकाई होता है। इसमें देख सकते हैं गैस भट्टी से अच्छा पकाई होता है। इसमें लोग देख सकते हैं कितना मस्त पकाई है, क्वालिटी भी अच्छा है। तो यही भट्टी इधर साइड में बन रहा है, एक और भट्टी है, देख सकते हैं। और इधर मशीन का भी फाउंडेशन बना हुआ है। तो आप लोग भी अगर मशीन लेकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस मशीन को लेकर के कूलर मैकिंग कर सकते हैं गाइज। तो देखिए वीडियो में कैसे कारीगर साहब जुराई करते हैं। अगर आप लोग भी भट्टी बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। कारीगर साहब काफ़ी अनुभवी है और बहुत पुराना है। इसमें भट्टी 15 साल के आसपास ये भट्टी कारीगर साहब बना के देंगे, तो आपको 15 साल के आसपास ये भट्टी का लाइफ रहेगा। तो देखिए जो कि 3 फीट तक के हाइट होगा ये भट्टी, और बिल्कुल तवा इसका रहेगा, लोहा कुछ नहीं, एक भी लोहा नहीं डलाएगा। इसमें तवा रहेगा, ईंट का पूरा तवा रहेगा। ये बहुत टिकाऊ भट्टी होता है, बहुत मस्त भट्टी होता है, जो कि इसमें किसी प्रकार के मिट्टी का बर्तन पका सकते हैं। तो इसमें लोहा का यूज़ नहीं किया जाता है, और लोग लोहा का भी काम करते हैं लेकिन लोहा वाला तुरंत गल के नीचे चल जाता है, ज़्यादा दिन उसका लाइफ नहीं रहता है। इसलिए आप लोग को वीडियो के माध्यम से हमको बताना पड़ रहा है। अगर आप लोग भी बहुत टिकाऊ भट्टी बनवाना चाहते हैं तो मेरे कारीगर साहब से संपर्क कर सकते हैं। देखिए चारों साइड इधर जो सामने है चूल्हा का मुंह बनाया गया है, और इसमें अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। थैंक यू मेरे दोस्त। अगला स्टेप रहेगा भट्टी कैसे पकाते हैं। चलिए भट्टी पकाने की शुरू करते हैं। ये भट्टी जो है बुरादा वाला भट्टी है, बुरादा से पकाइए या भूसी से पकाइए, गेहूँ के भूसी हो गया, धान का भूसी हो गया, या लकड़ी हो गया, किसी प्रकार के जलावन से आप लोग पका सकते हैं। कम लागत में इसमें अच्छा कलर बनता है, अच्छा पकाई होता है। तो आप लोग देखिए इधर से कारीगर साहब आगे चूल्हा के मुंह में झुकाई कर रहे हैं लगातार, ऐसा ही 2.5 से 3 घंटा झुकाई करना पड़ता है। और देखिए नज़दीक ले जा करके आपको दिखा रहे हैं कितना तेज आँच जल रहा है। तो चलिए ऊपर धुआं निकल रहा है, आप लोग को अभी दिखाएंगे कैसे इसमें धुआं निकलता है। और चारों साइड से चदरा इसलिए लगाया गया है जो कि बाहर से हवा ना प्रवेश करे, और बीच में टिकर लगा दिया गया है जो कि तापमान ये भट्टी के अंदर रहे, तापमान ऊपर नहीं आए। तो ये जो भी धुआं निकल रहा है 2.5 से 3 घंटा तक के धुआं निकलेगा, इसके बाद ये पूरा भट्टी लाल हो जाएगा। लाल होने के बाद एकदम मस्त पकाई होगा, और 1 से 1.5 घंटा के अंदर में ठंडा होने के बाद सवेरे आप निकाल सकते हैं इस भट्टी से, और मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो